जेवर कोठी, खुशियों में जोड़े एक नया रंग। वहाँ मिलेंगी तुम्हारी मनपसंद डिजाइन वाली सारी ज्वेलरी। सो स्वीट। जेवर कोठी, खुशियों में जोड़े एक नया रंग। अजय होटल बिल्डिंग, लवड़ावीर मेन रोड, वाराणसी। स्कॉलर्स वैली, अ होम ऑफ एजुकेशन। प्ले ग्रुप टू क्लास 8, कॉल 9235442970। नियर उकार हॉस्पिटल, सुंदरपुर, वाराणसी। एजुकेशन पार्टनर विद टाटा क्लास 8। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल। एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। शुभम कुमार से प्राण कार्यकारी सदस्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। किसने पूछना बोला क्या वजह? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी महानगर के नेतृत्व में आज यहाँ हरिचंदी वाले के सभी छात्र छात्राएं जो हैदराबाद में तेलंगाना सरकार के संरक्षण में जो एक पशु चिकित्सक महिला चिकित्सक के साथ जो बलात्कार करके सामूहिक हत्या की गई है जला करके, उसकी हम सभी छात्र यहाँ पर घोर निंदा करते हैं। और वहाँ के सरकार गृह मंत्री द्वारा जो बयान दिया गया है गलत, उसकी भी हम सभी छात्र निंदा करते हैं एवं सरकार से तत्काल मांग करते हैं कि दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए, नहीं तो यहाँ काशी से हरिश्चंद्र जी कॉलेज के छात्र रोड पर उतरने का काम करें। काशी संगठन मंत्री, काशी महानगर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ये किस लिए पुतला में क्या वजह? आज विद्यार्थी परिषद ने बहनों की सुरक्षा, जो देश भर में उनके खिलाफ एक ऐसा वातावरण हैवानियत का बनाया जा रहा है जिसमें वह सुरक्षित असहाय महसूस कर रही हैं, इसके विरोध में प्रियंका रेड्डी को जिस प्रकार से वहाँ कुछ दरिंदों ने उनको जला दिया, उनके साथ गलत काम किया, कुकर्म किया, उसके विरोध में यहाँ तेलंगाना सरकार का गृह मंत्री का जिस प्रकार से बयान आया, ऐसा पुतला फूका गया और ये विरोध दर्ज जताते हुए कहा गया कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण कर ऐसे फांसियों को जल्दी से जल्दी फांसी के फंदे तक लटकाया जाए और ये तुरंत मैसेज दिया जाए तेलंगाना सरकार की ओर से कि इस प्रकार की घटना आगे उनके राज्य में नहीं होगी, क्योंकि उनकी तरफ से दो दिन की जिस प्रकार से ढीला ढाली कार्रवाई हुई है उससे विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ता शुद्ध है और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की नाराजगी आज इस भयानक रूप में दिख रही है। कार्यकर्ताओं में रोष प्रकट किया गया है कि जल्द से जल्द अगर बहनें सुरक्षित नहीं होती हैं तो हम आगे भी ऐसे और ऐसे पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे।